हेलो इंजीनियर्स, दिस इज प्रशांति। तो आज आपके लाए हैं एक बहुत ही बढ़िया गैजेट जो है आपके मोबाइल के जरिए एसएमएस करके आप किसी भी पाम को ऑन ऑफ कर सकते हैं। मतलब किसी भी मोबाइल से आप एसएमएस सेंड कर सकते हैं। ये एंड्रॉइड होगा तो भी चलेगा, अगर कीपैड मोबाइल होगा तो भी चलेगा। मतलब आप एसएमएस के जरिए आप अपने जो पाम्प रहते हैं, खेतों में जो पाम्प रहते हैं, उस पाम्प को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, या फिर पाम्प की जगह आप किसी भी चीज को लगा सकते हैं। मतलब किसी भी लाइट, फैन वगैरह को आप लगा सकते हैं, लगाने के बाद ऑन ऑफ कर सकते हैं कहीं से भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आसानी से घर पे ये जो सर्किट है ये हम लोग घर पे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिंग बना सकते हैं, PCB डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो इस सर्किट को मैंने एक्चुअली में बनाया है, जो कि इसका जो सिम रीडर है, आप इस पे देख सकते हैं मैंने एक सिम रीडर लगाया है। इसका कनेक्शन अगर आपको जानना है तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, या फिर ऊपर जो आइकन बटन है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं इसके जो कनेक्शन किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, और इस सर्किट के मदद से आप इसको बना सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना होगा तो ही आप इसको देख सकते हैं, मेरा पिछले वीडियो को। और इसी सिम रीडर पे 2G यूज करेंगे, क्योंकि ये जो 800L रहता है ये एक्चुअली 2G सिम से ही काम करता है। अगर आप इसको 4G सिम यूज करना चाहते हैं तो आपको सिम रीडर बदलना होगा। 900L लगाने के बाद ये 4G का काम करेगा। तो अभी चलिए इसी कनेक्शन को जरिए हम लोग एक सर्किट बनाएंगे, और बनाने के बाद इसका जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तो आपने देखा है सर्किट को कैसे बनाया है। तो अभी इस सर्किट पे हम लोग पंप को, मतलब जो मोटर का पंप रहेगा उसको हम लोग कनेक्शन करेंगे। मैंने इस पर छोटा पंप लगाया है, इसलिए इसका जो रिले है, रिले को मैंने 5 वोल्ट का रिले लगाया है, और वाट बहुत ही कम वाट का एक रिले लगाया है। आप अगर ज्यादा बड़ा मोटर यूज करेंगे, मतलब ज्यादा वाट का मोटर यूज करेंगे तो रिले को ज्यादा वाट का लगाना होगा, नहीं तो रिले जल जाएगा। तो अभी हम लोग इसी रिले के मदद से छोटा जो पंप है उसको कनेक्शन करेंगे। करने के बाद टेस्टिंग करके देखेंगे किस प्रकार से ये एक्चुअली में काम करते हैं। तो चलिए अभी टेस्ट करके देखते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये जो सर्किट आप देख रहे हैं ये एक्चुअली कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने एक पंप लगाया है, आप चाहे तो बड़ा पंप भी लगा सकते हैं। मैंने छोटा पंप लगाया है आप लोगों को दिखाने के लिए, आप चाहे तो जितना बड़ा उतना पंप लगा सकते हैं। सिर्फ रिले को आप उसका जो वाट है उसको चेंज करके आप रिले थोड़ा ज्यादा बड़ा लगा के आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर्किट सेम ही होगा। तो अभी हम लोग इसका डेमो जो है वो अभी टेस्ट करके देखेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे मैंने एक सिम रीडर लगा दिया है, जो कि आप लोग किसी भी सिम लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो कि 2G का सिम लगाया है। आप चाहे तो अगर 3G या 4G का सिम लगाना चाहते हैं तो सिम टूल को चेंज करना होगा। तो मैंने 800L लगाया है, आप चाहे तो अगर 4G लगाएंगे तो 900L लगा सकते हैं। ठीक है, लगाने के बाद 4G इसमें काम करेगा। और इसको कंट्रोल किया है, सब कुछ कंट्रोल किया है। ये जो आप देख रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर से हमने इसको सभी को कंट्रोल किया है। और यहाँ पे एक बजर है और LED लगा दिया है, जो कि देखने के लिए। आप इसको अगर नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। तो अभी आप लोगों को टेस्ट करके दिखा रहे हैं। तो पहले हम लोग इसका ऑन करेंगे। तो सर्किट अभी पहले ऑन हो रहा है, मतलब इसका स्टार्टिंग हो रहा है। तो अभी स्टार्ट शायद हो गया है। तो यहाँ पे आप मोबाइल देख रहे हैं, तो मोबाइल पे जो सिम मैंने यहाँ पे लगाया है उसी सिम को मैंने यहाँ पे सेव किया है, ठीक है। तो पंप वन लिख के सेव किया है। तो मैंने एक ही पंप लगाया है इसलिए पंप वन। तो वन पंप पे मैंने जो प्रोग्राम डाला है वो है मोटर ऑन और मोटर ऑफ। तो मोटर MOTOR मोटर ऑन स्पेस लिख के मैंने ऑन दिया है, ठीक है। ऑन देने के बाद जब भी इसको सेंड करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे जो लाइट है वो ब्लिंकिंग करेगा अभी। तो देखिए अभी ब्लिंकिंग कर रहा है। तो अभी ब्लिंकिंग करने के बाद ये मोटर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अभी स्टार्ट हो गया है। तो ये कंटिन्यूसली स्टार्ट रहेगा जितनी टाइम तक आप इसको ऑफ ना करेंगे। तो अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ, देखिएगा। तो मोटर ऑफ, तो इस प्रकार से मैंने इस पर लिख दिया है मोटर ऑफ और सेंड। तो सेंड अभी हो गया है। तो अभी देखिएगा इसमें ग्लो करेगा, देखिए ग्लो कर रहा है और अभी मोटर ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी मोबाइल से SMS सेंड करके आप मोटर को स्टार्ट या ऑफ कर सकते हैं। कहीं पे भी रह के आप इसको कर सकते हैं। अगर टावर रहेगा तो ही काम करेगा। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। तो मोटर को अभी फिर से ऑन कर रहा हूँ। तो मोटर ऑन अगर गलत लिखेंगे तो गलत लिखने पर ये कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि इस पे प्रोग्रामिंग पे गलत कोई वर्ड नहीं है। अभी जो भी वर्ड मैंने दिया है वही हम लोग सेंड करेंगे। तो सेंड कर दिया, अब देखिए स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी स्टार्ट हो रहा है। तो अभी ये देखिए स्टार्ट हो गया है। इस तरह आप इसको काम कर सकते हैं आसानी से। तो फिर से मैं इसको ऑफ कर रहा हूं। तो मोटर ऑफ सेंड, अभी ये ऑफ हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सिम के माध्यम से ये काम करता है। तो देखिए अभी ये बंद हो गया है। तो बहुत ही अच्छे से ये काम करता है। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से घर पे हम लोग एक पंप को ऑन ऑफ करने वाला सर्किट बना सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, बाय।